तो हेलो फ्रेंड्स, इट्स शोएब मनियार एंड वेलकम टू द चैनल। तो फाइनली दोस्तों, व्हाट्सअप यूजर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सअप का बैकअप कैसे लेते हैं और दोस्तों इस बैकअप को इन फ्यूचर आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपसे गलती से भी आपका व्हाट्सअप डिलीट हो जाता है या फिर आपके व्हाट्सअप में के वीडियोस मैसेजेस या फिर आपके इंपॉर्टेंट चैट्स डिलीट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको व्हाट्सअप को रिकवर कैसे करते हैं, इसे रिस्टोर कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से कैसे रिस्टोर करते हैं इसके बारे में पता चले और दोस्तों आपके जो चैट्स होती है उसे पूरी तरीके से रिकवर कैसे करा जाता है इसके बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखते रहिए इस चैनल को। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, हमें व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमें चैट्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें स्क्रॉल कर अपने नीचे करके चैट बैकअप पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पेज को ओपन हो गया आ गया है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है गूगल अकाउंट। दोस्तों इस गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करके आपका एक जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट आपको को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी जीमेल अकाउंट पर आपका बैकअप जाएगा आपको वो चुन लेना है, आपके हिसाब से आप चुन सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ बैकअप पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों ये बैकअप मैसेज हो रहे हैं। दोस्तों हमारा पूरा बैकअप हमारे गूगल अकाउंट पर सेंड किया जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी साइज 59 MB की दिखा रही है। एंड टू एंड इनस्क्रिप्टेड बैकअप है ये दोस्तों। तो दोस्तों हमारा बैकअप फाइनल हो चुका है, हमें क्लोज कर देना है व्हाट्सअप। तो दोस्तों अब मैं आपको व्हाट्सअप डिलीट करके दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैं व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, अनइंस्टॉल। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दिया है। अब हमें प्ले स्टोर में अगर फिर से फ्रेश व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं फ्रेश व्हाट्सअप इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसमें जो कि कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं होंगे, ना ही कोई चैट्स और मैसेजेस होंगे। यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद मैं वही प्रोसेस आपको रिस्टोर की प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जिससे हमारे मैसेजेस और व्हाट्सअप रिस्टोर होने वाला है पुराना वाला। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है व्हाट्सअप, हमें ओपन करना है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू एंड एग्री कर देना है। यहाँ पर आपका फोन नंबर आपको ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर फोन नंबर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है आपको। यहाँ पर आपके सामने 6 डिजिट का कोड आएगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अलाउ कर देना है, अलाउ। यहाँ पर आपको अपना देखिए लुकिंग फॉर बैकअप दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा जो बैकअप किया था हमने इस जी मेल आईडी पर वो यहाँ पर दिखा रहा है, उसका साइज़ भी दिखा दिया है। यहाँ पर हमें रिस्टोर पर क्लिक करना है दोस्तों, अगर हमें बैकअप रिस्टोर करना है तो हम रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। हमारे पूरे पुराने व्हाट्सअप के मैसेजेस, वीडियोस, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स और वीडियोस पूरे रिस्टोर होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा जो पुराना व्हाट्सअप था वो यहाँ पर खुल के आ चुका है। तो दोस्तों बेसिकली यही बैकअप का फ़ायदा होता है, जो भी हमारे पुराना व्हाट्सअप होता है वो हमें बैकअप के ज़रिए रिस्टोर हो जाता है। यहाँ पर नेवर करके डन कर देना है। देखिए दोस्तों ये पे मेरा पुराना व्हाट्सअप यहाँ पर खुल के आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।